हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और आज मैं फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा है और क्या नया मैसेज आपको जानना ज़रूरी है डिवाइन का। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ले लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो दूसरों के साथ जाने दीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के नाम शाउट आउट करूँगी। घनश्याम जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। डिवाइन के गाइडेंस अगर आपके लिए कोई है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। दूसरे डेक से लेते हैं। ठीक है, गाइडेंस। तो देखिए, आपको ना थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है घनश्याम जी, आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप कोई मेंटोर हो सकता है आपका, या कोई ऐसा जो ट्रस्टवर्दी हो, आप उनसे अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो गए हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक बर्डन की तरह ले रहे हैं। इस बर्डन को रिलीज़ कीजिए खुद से और चीज़ों को आसान कीजिए। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं आपके लिए, आपने उनको बना दिया है। बहुत ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर हावी होने मत दीजिए उन चीज़ों को जो लाइफ में हो रही हैं। उन चीज़ों से खुद को रिलीज़ कीजिए और थोड़ी सी गाइडेंस अगर आपको लगता है कि किसी से मिल सकती है आपको, तो वहाँ से आपको लेने की ज़रूरत है। किसी समझदार इंसान से थोड़ी सी गाइडेंस लीजिए। ठीक है, ये मैसेज आपको डिवाइन ने दिया है। तो नेक्स्ट मैसेज है आलिया। आलिया, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। डिवाइन का कोई मैसेज आपके लिए है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहती है। वी आर द वर्ल्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको नए नए लोगों के साथ मिलना है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और बहुत से लोग मिलेंगे आपको लाइफ में जो बुरे नहीं हैं। आपको उन सभी को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करते हुए चलना है, नई नई चीज़ों के साथ एक्सप्लोर करना है और सभी को इक्वली ट्रीट करना है। क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि कुछ लोग जो हैं आपके कंपैटिबल नहीं हैं, या फिर ये आप जैसे नहीं हैं, या आपके जैसा नहीं सोचते हैं। इन चीज़ों से खुद को रिलीज़ कीजिए। ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब हम गलत नहीं होते तो चीज़ें हमारे लिए भी गलत नहीं होती। हम अगर अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं तो चीज़ें हमारे लिए भी बहुत बेहतरीन होती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज डिवाइन का था आपके लिए। तो आई होप आपको मिल गया होगा मैसेज कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, देखेंगे डिवाइन ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती रीडिंग को खुद पर थोपने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज डियर डिवाइन प्लीज़ बताइए मुझे आज क्या मैसेज नया आप लोगों के लिए आने वाला है। दो मैसेज एक साथ आ गए हैं, हम एक भी नहीं लेंगे। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बुरी और पैनी नज़र है आपके ऊपर। इतने सारे मैसेजेस को लेंगे नहीं, बट मैं बता दूंगी कि यहाँ पर कोई मेल है स्पेशली जिसकी बड़ी पैनी नज़र है आपके ऊपर, और आपकी उपलब्धियों को बहुत बुरी तरह से घूर रहा है वो, और वो सह नहीं पा रहा कि आप उसके बिना कामयाब कैसे हो रहे हैं, आप उसकी मदद के बिना आगे बढ़ कैसे रहे हैं, और आपके जीवन में नई खुशियां, नई चीज़ें आ क्यों रही हैं, आप दुखी क्यों नहीं हैं, परेशान क्यों नहीं हैं, आपके लाइफ में कोई हादसा क्यों नहीं हुआ उसके जाने के बाद, या उसने जो भी किया। तो देखिए, यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आपके लिए आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई खुशी आ रही है, और लोगों को इस चीज़ का आभास हो गया है कि आपके जीवन में कोई खुशी तो बहुत जल्दी आ रही है और बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं। और लोगों को डर है कि कहीं वाकई में ऐसा हो ना जाए, आपको आपके भाग्य का ना मिल जाए, आपकी खुशियाँ ना मिल जाएँ। तो वैसे तो ये सेलिब्रेशन बहुत बड़े सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बट मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स जो है शादी की आ रही हैं। तो शादी की वाइब्स हैं, किसी के लिए शादी आ सकती है, शादी हो सकती है जिनके नहीं हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जैसी है। ओके, एट ऑफ कप्स,
की भी एनर्जी आई है। यहाँ पे कुछ लोगों को आपके सुख से बड़ा दुख है, कुछ लोग जो चाहते नहीं हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह का सेलिब्रेशन आए, खुशी आए कोई। द हायरोफेंट, लेकिन आपके भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे पर रुकेंगे नहीं। और यहाँ मुझे मून मैजिक भी झांक रहा है, तो लोगों ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है आपके भाग्य को रोकने के लिए। लोगों ने बहुत भरसक कोशिश कर ली है कि किसी भी तरह से वो आपके भाग्य को रोक दें, कोई मैजिक करके, कोई मून मैजिक करके या कुछ ना कुछ दूसरा करके, बट चीज़ें होंगी नहीं। फाइव ऑफ पेंटकल्स, कोई आपकी शादी को या इसको सह नहीं पा रहा। क्वीन ऑफ पेंटकल्स, ओके, ये आपके लिए आया है। द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटकल्स, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ लोग हैं जो आपके सुख से जल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके लिए किसी बहुत बड़े मेजर ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। कोई बहुत बड़ा सुख आपके जीवन में आने वाला है, कोई शादी हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत बड़ा इवेंट कोई आपके लाइफ में आने वाला है, जिसको देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब उसका ना आभास सा हो गया है लोगों को, और बहुत ज़्यादा जेलस वाली फीलिंग्स यहाँ पर आ चुकी है लोगों के मन में, और वो आपकी खुशियों को बेसिकली चाहते हैं कि छीन ले किसी भी तरह से ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में ना ये इवेंट आए ही ना, ये शादी हो सकती है, ये बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है, और लोग बहुत ब्रूचुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में ये सुख आए ही ना, और आपके खुशियों को वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मतलब किसी भी तरह का ना, देखिए मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी भी तरह का कोई कलेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर्स भी मुझे लगता है ना कि कुछ अच्छे नहीं हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि आपकी शादी हो या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सक्सेस आए या कोई इवेंट आए, और जिसको वो इस चीज़ में बदल देना चाहते हैं किसी भी तरह से ना, आपको मैनिपुलेट करके, बेवकूफ़ बना के आपको रोक देना चाहते हैं, आपको पहले रोक देना चाहते हैं कि आपके जीवन से उखाड़ के ना सब कुछ फेंक दिया जाए, बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना लिया जाए। लेकिन यहाँ पर भाग्य कह रहा है कि नहीं, मैं तो होके रहूँगा, मैं तो ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये तो डेस्टाइंड है और इसी के लिए तो आपको बनाया गया है कि आपके जीवन में ये खुशियाँ आएँ और ये चीज़ें आएँ, ठीक है। तो आपके जीवन में ये सौभाग्य आप कर ही रहेगा, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी तरह की। देखिए यहाँ पे ना आपके जीवन में ना उपलब्धियाँ जैसे बहुत सी आएंगी, और ये कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा ये उपलब्धियाँ भी लेकर आएगा और लक लेकर आएगा आपकी लाइफ में बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं और वो मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कि आपकी इस चीज़ को ना ख़राब कर दिया जाए, आपके रिश्तों को ख़राब कर दिया जाए, आपके पैसे को बर्बाद कर दिया जाए, आपकी सेहत को ख़राब कर दिया जाए, किसी तरह की नज़र लगा दी जाए या किसी तरह का कुछ भी ऐसा कर दिया जाए कि आपके जीवन में चीज़ें ख़राब हो जाएँ और सब कुछ बर्बाद हो जाए। वो बहुत बुरी तरह से चाहते हैं कि आपके रिश्ते को तोड़ देना, और ऐसा लोगों ने पहले भी किया होगा कि आपके जीवन में बहुत से रिश्तों को ख़राब किया होगा, बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया होगा, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें होने नहीं वाली हैं। तो यहाँ पर ना लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपके जीवन में अब धन की तो कोई कमी नहीं रही है, धन तो बेसिकली आ ही रहा है चारों ओर से, और ईश्वर ने आपको अबंडेंट कर दिया है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए उन्होंने धन के खोल दिए हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन फिर भी आप उदास हैं।
आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ये आपकी नहीं है। लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि किसी भी तरह से आपको आपके भाग्य से, आपकी चीज़ों से दूर कर दिया जाए और आपका हक छीन लिया जाए और आपको दुखी कर दिया जाए, किसी अलग ही पोर्टल में आपको फेंक दिया जाए। आपका जो ये साइकिल है ना, आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी तरह की नई शुरुआत आपके जीवन में आएगी, कुछ नई चीज़ें, नया साइकिल, नई शुरुआत, और कोई भी नया एक प्रोजेक्ट या नई कोई नया प्रोजेक्ट किसी के साथ आ सकता है। कोई विदेश यात्रा हो सकती है या किसी भी तरह का कोई लोकेशन चेंज हो सकता है। यहाँ पे ना सब कुछ एक बोल सकते हैं, आपकी नई चीज़ें बेसिकली आ रही हैं आपके जीवन में। पुराना सब कुछ बदल जाएगा, हर एक चीज़ बदल जाएगी आपके लिए। नया भाग्य, नई चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, और आप ना काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, कोई घमंड नहीं आया है आपके अंदर। पैसा आने के बाद भी आपके अंदर कोई घमंड नहीं आया है, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आप हैं। आपके जीवन में नई खुशियां प्रफुल्लित हो रही हैं, सब कुछ नया नया आ रहा है। उसके बाद भी आप कितनी झुकाव है आपके जीवन में, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा जलन है लोगों को, और सबसे ज़्यादा जलन आपके सुख से लोगों को है कि किसी भी तरह का सुख आपके जीवन में आए ही ना। लोगों को ना बेसिकली आपके सुख से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपके जीवन से आपकी उपलब्धियों को छीना जा सके, लेकिन कामयाब हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लोग आपके जीवन में ना मैनिपुलेशन के लिए आ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कलेश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने फैसले पर अड़िग रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही मैसेज आ गया है, गोइंग विद द फ्लो। आपको कहा जा रहा है कि जो फ्लो आपके जीवन में चल रहा है उसके साथ चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में ये डेस्टाइंड है जो हो रहा है, और ये अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में नई उपलब्धियाँ आ रही हैं जिसको लोग रोक देना चाहते हैं और उन्होंने पहले भी रोका है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ी डिले चल रही हों, आपके भाग्य में कुछ चीज़ें बहुत पहले होनी थी लेकिन वो डिले कर दी गई हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं जिन्होंने मूर्खता को अपने सिद्ध करने के लिए आपके जीवन में ना चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, और वो जो आपको मिलनी थी वो उस समय आपको नहीं मिली, लेकिन अब क्योंकि आप ऑलरेडी देर हो चुकी है तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। द मास्टर, तो आपको कहा गया है कि ईश्वर ने अब आपके जीवन की चाबी आपके हाथ में दे दी है। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपने जीवन के मास्टर खुद हैं, अब इसे किसी और के थ्रू मत चलाइए। अपने डिसीज़न अपने लिए खुद लीजिए और अपने जीवन में अपने डिसीज़न खुद लेकर उसको खुद ड्राइव कीजिए। क्योंकि लोग आपके जीवन में जो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए टर्न ले रहे हैं आपके लिए, वो आपके फ़ायदे के लिए या आपके भाग्य के लिए टर्न नहीं कर रहे हैं। वो टर्न कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर उनको कुछ मिल सके और आपके हक का छीन कर वो अपने लिए कुछ बना सके। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने आपका हक मारने की कोशिश की है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जीवन की चाबी आपको ईश्वर ने दे दी है, अब इसे अपने हिसाब से चलाइए, अपने लिए जियो। दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लिए करो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा पास्ट के साथ क्लिंगिंग मत रहिए, जुड़िए मत। आपके जीवन से पास्ट को उखाड़कर फेंकने की एक रीज़न है, इसलिए फेंका गया है आपके भाग्य से पुरानी चीज़ों को, सो दैट कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। अबंडेंस आपके जीवन में भर भर के आ रही है, भर भर के ईश्वर आपको दे रहे हैं। क्योंकि पहले आपके जीवन में कुछ इसलिए भी नहीं आया क्योंकि आप बहुत गलत लोगों से जुड़े हुए थे, और आप क्या कर रहे थे कि अपने भाग्य में से उन लोगों को भी दे रहे थे जिनको ना तमीज़ थी ना करतूत थी खाने की, और उन लोगों ने क्या किया है कि आपका लिया भी है और आपकी वैल्यू भी नहीं की, आपको डीवैल्यू किया, डीमोटिवेट किया, और आपको ये हमेशा एहसास दिलाया कि आप इसके योग्य नहीं हैं, तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम हमारा खा रहे हो, जबकि खा वो आपके भाग्य से रहे थे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में तो कोई ड्रीम आपका, कोई सपना जो आपके जीवन में था बहुत बड़ा, आपके जीवन में आ रहा है, आपका सपना कोई पूरा हो रहा है,
ठीक है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई थी, वो सभी चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं। अब आपके सारे सपने सच होने जा रहे हैं। रिसेप्टिविटी, देखिए बहुत सी चीज़ें बहुत फ्लो में आपके जीवन में आ रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि बाहें खोलकर स्वागत कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। बदलाव जो आ रहे हैं उन बदलावों को एक्सेप्ट कीजिए। मे बी आप उन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी भी पास्ट से जुड़े हुए बार बार रह रहकर पास्ट में चले जाते हैं। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट से बाहर निकलिए प्लीज़, आपको उन लोगों से अलग किया है सो दैट कि आप अपने भाग्य का खा सकें, क्योंकि लोग आपके भाग्य को आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं ये, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता यहाँ जिन्होंने आपके भाग्य को इस तरह रोकने की कोशिश की हो, क्योंकि बाहर के लोगों को तो एक्सेस नहीं है ना, तो फैमिली के लोग हो सकते हैं। एंजल के गाइडेंस लेंगे, देखेंगे एंजल्स क्या बता रहे हैं। फेथ, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। आपको कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना है और अपने डिसीजंस पर और अपने रास्तों पर विश्वास करना है कि जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं वो सारे रास्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं और वो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर बना रहे हैं। अनकंडीशनल लव, आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। तो आपके जीवन में ना अनकंडीशनल बहुत सारा बेतहाशा प्यार आ रहा है, बेहद चारों ओर से प्यार आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इस अबंडेंस को, इस भाग्य को, इस प्यार को रिसीव कीजिए, डाउट मत कीजिए कोई। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको कहा जा रहा है कि आई रिफ्लेक्ट ऑन माय थॉट्स एंड एक्शन एंड लर्न फ्रॉम देम। तो आप अपने थॉट्स को, सेल्फ रिफ्लेक्शन की चीज़ें आपको आई हैं, आप बेसिकली आप अपने आप को ना अब तक पहचान नहीं पाए हैं कि आप क्या हैं। यहाँ पर डिवाइन को कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ अपने आप को पहचानो, देखो अपने आप को, तुम कोई मामूली हस्ती नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को और इन सभी चीज़ों से सीख सकते हो आप। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कीजिए, जैसे मिरर होता है ना, मिरर में आप अपने आप को देख पाते हैं, ऐसे ही अपने खूबियों को देखिए, आप पहचानिए, खुद को एक्सप्रेस कीजिए। सेल्फ एक्सप्रेशन की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ एक्सप्रेशन की इस एनर्जी में आइए और पहचानिए खुद को और लोगों को भी बताइए कि आप एक्चुअली हैं कौन। साइलेंटली काम करना है आपको, शोर मचाकर काम नहीं करना है आपको अपने जीवन में, ठीक है। तो ऐसी कोई एनर्जी है आपके लिए आ रही है। कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नया। जिनको मैसेज नहीं मिला है अब मिल जाएगा। ओके, समवन वॉन्ट टू टेल यू, यू हर्ट मी। आपने उनको हर्ट किया है, इवन मुझे तो लगता है कि आपको हर्ट किया लोगों ने बहुत ज़्यादा। यू आर गोइंग टू बी फेमस, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप फेमस होने वाले हैं। मिरेकल इज कमिंग इन टू योर लाइफ, आपको कहा जा रहा है मिरेकल आपके जीवन में आने वाला है, तैयार हो जाइए, पता नहीं कब एकदम से बूम कर देगा वो। ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल, बार बार आपको कहा जा रहा है अपना कंपैरिजन मत कीजिए दूसरों से। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट, सम आर सीसीटीवी कैमराज। आपको कहा जा रहा है कि हर रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट नहीं होती है, कुछ सीसीटीवी कैमराज भी होते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो कर्मा कह रहा है कि मैं भी हूँ यहाँ पर विराजमान, बहुत ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, कर्मा विल ऑलवेज बैकफायर। वेडिंग बेल्स, तो कुछ लोगों की जहाँ शादी नहीं हो रही थी तो शादी की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, समय बदल रहा है, आपके लिए चीज़ें भी बदल रही हैं। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनको कट ऑफ कीजिए।
सुधारने की जरूरत नहीं है रिश्तों को अपने, कट देम ऑफ. डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ही गलत और घटिया लोगों से. पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कुछ तो कुछ फैमिली मेम्बर्स ही इतने गिरे हुए होते हैं कि घर के ही लोगों के साथ इतना गंदे रिश्ते बना लेते हैं. नो वन कैन स्टॉप यू, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी अब आपको रोक नहीं सकता है. ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि कोई अब आपको रोक नहीं पाएगा. मेडिटेशन कीजिए प्लीज, मेडिटेशन कीजिए. दिस वीक द यूनिवर्स इज गेटिंग यू बैक ऑन योर फीट फॉर द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ. तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इसी हफ्ते वो आपको आपके पैरों पर खड़ा करके दुनिया को दिखाएंगे कि देखो देखो देखो, ध्यान से देखो जादू करने वालों, मैं भी हूँ यहाँ पर. डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बी हैप्पी, खुश रहा करो. फ्री विश आई है आपके लिए. कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से नहीं रोक सकता. रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है. तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता, डिवाइन आपको बोल रही है. लव स्पेल, तो किसी को जरूरत पड़ गई है लव स्पेल की, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी तो काम नहीं आने वाली. अब उसको पता है कि आप छोड़ दोगे उसको, एक्सेप्ट नहीं करोगे. एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम, तो आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ आपके पास सही समय पर आएगी. एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं. वेरी सून इज नाउ फाइनली, तो आपको कहा जा रहा है कुछ जो बहुत जल्दी होने वाला था अब बस फाइनल हो गया है. मैनी विल अट्रैक्टेड टू योर लाइट, वेरी फ्यू विल बी एबल टू हैंडल इट. तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन आपकी दिव्य ऊर्जा को हर कोई सह नहीं पाता. आपकी देखो डिवाइन लाइट हो सकती है आपके अंदर, उस डिवाइन लाइट को हर कोई झेल नहीं सकता. क्योंकि लोगों को ऐसा तो लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आकर्षित होते होंगे, लेकिन उसके बाद उनको जलन होने लगती है. वो जलन उनके कर्मों के कारण होती है. उनको हीलिंग, आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, हील होने के लिए बोला जा रहा है आपको. समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर किसी ने आंखें जमा के रखी हुई हैं आपके ऊपर. ठीक है, एक मैसेज और ले लेते हैं. वेरी सून समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड. कुछ जो बहुत जल्दी होने वाला है आपके जीवन में, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए. ठीक है, तो इतनी ही रीडिंग थी. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. कैसी लगती है रीडिंग्स आपको मेरी, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. और मुझे प्लीज़ थोड़ा और अप्रिशिएट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मैं फिर हाजिर होंगी कोई नई रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही. बाय 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 बाय.